प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। देश का ये पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। स्टेशन के अंदर की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री को स्टेशन की खासियत के बारे में बताया जाएगा, उन्हें ओवरऑल ब्रीफ किया जाएगा कि आखिर किस वजह से ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है और इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर वो हर इंतजाम है जो दुनिया के विकसित देशों के रेलवे स्टेशन पर होते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है, फूड कोर्ट भी बने हैं, मॉडर्न एयर कंडीशन लाउंज बनाए गए हैं यात्रियों के लिए और सबसे खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के रास्ते भी अलग अलग हैं और स्टेशन से बाहर आने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। तो प्रधानमंत्री को फिलहाल आप देख रहे हैं जो स्टेशन के और अंदर प्रमाइसिस की तरफ जा रहे हैं जहां उन्हें इस बारे में पूरा एरिया के बारे में भी बताया जा रहा है और अब वो एस्केलेटर्स के जरिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि यहां पर एयरपोर्ट की तरह एस्केलेटर्स के साथ साथ ट्रैवलेटर्स भी हैं और यही सबसे खासियत है इस रेलवे स्टेशन की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और 160 सीसीटीवी से पूरे स्टेशन पर निगरानी रखी जा सकती है। सुरक्षा इंतजामों के लिए भी हाईटेक सर्विलांस सिस्टम्स लगाए गए हैं। साथ ही रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर डेवलप किया गया है। पीपीपी मॉडल से बना ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है और जैसा कि आपको बताया कि जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन का जिक्र यहां पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो दुनिया एक ऐसा स्टेशन है जहां पर हजारों यात्री रोजाना ट्रैवल करते हैं बिना किसी कियोस्क के, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर यात्रियों की भीड़ रहती है इसलिए मिसमैनेजमेंट होता है। लेकिन जर्मनी हेडलबर्ग स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर 2400 घंटे में हजारों यात्री रोजाना सफर करते हैं और उसको डिजाइन इसी तरह से किया गया है। इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को भी खास तौर पर जब इसका मेकओवर किया गया तो इन बातों का ध्यान रखा गया कि रोजाना यानी 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा यात्रियों को संभालने की इसकी क्षमता है और यही वजह है कि इसके स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी उसी लिहाज से बनाए गए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जिस तरह से हम एयरपोर्ट पर देखते हैं कि ट्रैवलेटर्स होते हैं, एस्केलेटर्स होते हैं, लिफ्ट की सुविधा होती है, उसी तरह से रेलवे स्टेशन पर भी ये तमाम फैसिलिटीज दी गई हैं यात्रियों के ट्रैवल करने के समय उन्हें ध्यान में रखते हुए। हालांकि प्रधानमंत्री को भी हमने देखा जहां पहले उन्हें एलईडी स्क्रीन पर किस तरीके से अनाउंसमेंट किया जाएगा और सब कुछ इंफॉर्मेशन यात्रियों के साथ शेयर की जाएगी उस बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। अब स्टेशन के दूसरे हिस्से की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और जैसा कि यह भी जा रहा है कि इसको डिजाइन करते वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखा गया कि डेलाइट इसमें रहे, साथ ही सोलर पैनल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसे यही वजह है कि इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन भी कहा जा रहा है और ये बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत ही हाईटेक और हाईटेक होने के साथ साथ इसको डेवलप करते हुए टेक्नोलॉजीज का तो इस्तेमाल किया गया लेकिन इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिस तरह से एयरपोर्ट के लुक्स होते हैं और इसीलिए ये बाकी रेलवे स्टेशन से दिखने में बिल्कुल अलग है और इसका मेकओवर करते हुए भी इन बातों को ध्यान में रखा गया कि रोजाना अगर यहां 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा यात्री अगर सफर करते हैं तो उनकी सुविधाओं को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। अब हमने देखा स्टेशन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, अब दूसरे हिस्से में इसी स्टेशन के दूसरे प्रीमाइसेस की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और ट्रैक के ऊपर फुट ओवर ब्रिज भी जिस तरह से हम देखते हैं स्टेशन में होते हैं वैसा ही यहां भी स्टेशन पर जरूर है लेकिन बड़े फुट ओवर ब्रिज के साथ साथ एयर कॉन्कॉर भी इन्हें कहा जाता है और इस पर 1100 यात्रियों के बैठने का इंतजाम है। यानी अभी तक हम देखते थे कि स्टेशन पर वेटिंग एरियाज होते थे लेकिन इस स्टेशन की, इस रेलवे स्टेशन की खासियत ये है कि यहां पर यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज बनाए गए हैं और वहीं पर बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई हैं ताकि जो यात्री यहां पर इंतजार कर रहे हैं उन्हें उनकी ट्रेन और उनके ट्रैवल आइटनरी को देखते हुए सारी इंफॉर्मेशन उनको स्क्रीन पर मिलती रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने के बाद आम यात्रियों के लिए जब इसे खोल दिया जाएगा जो फैसिलिटीज वहां आम यात्रियों को दी जाएंगी उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। और स्टेशन को सामान्य दिनों में 38,000 यात्रियों की क्षमता के हिसाब से ही फिलहाल डिजाइन किया गया है लेकिन अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो
अमूमन ये कोशिश की जाती है कि उस लिहाज से फैसिलिटीज दी जाए कि ज्यादा से ज्यादा यात्री यहां पर अकोमोडेट किए जा सके। इसलिए अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इस बारे में और जानकारी जरूर लेना चाहेंगे कि आखिर क्यों इसे हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन कह रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी स्टेशन के हर प्रिमाइसिस में जा रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि आखिर क्यों ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। देखिए सुरभि, मैं सबसे पहले बता दूं, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ये इसलिए हो जाता है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट डिजाइन किए जाते हैं उसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। जो इसका एयर कॉन्कॉर्स है, एयर कॉन्कॉर्स यानी जो वेटिंग एरिया है, वो तकरीबन 900 से ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर बैठ सकता है। सबसे बड़ी बात ये है एयर कॉन्कॉर्स। नंबर टू जो बड़ी बात आती है कि इसमें जो यात्री जब स्टेशन में जाते हैं तो उनका एंट्री पॉइंट अलग होगा, वहीं जो ट्रेन से जो यात्री जब वापस आएंगे उनका एग्जिट पॉइंट एक सबवे के थ्रू होगा। जो भी यात्री स्टेशन में आएंगे वो वेटिंग लाउंज में, एयरपोर्ट पे जिस तरीके से होता है तमाम फ्लाइट का इंतजार एक लाउंज में बैठकर किया जाता है, जब फ्लाइट आती है उस गेट पे पहुंचा जाता है, उसी तर्ज पर इस जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था जिसका नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया, इस पे जो भी यात्री जब यात्रा के लिए एंटर करेंगे तो इस एयरपोर्ट के लाउंज में बैठेंगे। वहां पर 900 लोगों के बैठने की क्षमता है। जिस भी जो भी ट्रेन आएगी वो उनको जो सामने स्क्रीन लगी होगी उस स्क्रीन से देखकर पता चलेगा कि अब ये ट्रेन आ रही है, तब वो जाकर उस स्टेशन पे उतरेंगे। इसी तरीके से जो दूसरे यात्री हैं जब वो ट्रेन से आएंगे तो वो जो नीचे से सबवे बना हुआ है तो उससे बाहर जाएंगे, सबसे पहली बात ये हो जाती है। तमाम सुविधाएं भी दी गई हैं, सबसे बड़ी बात पूरी तरीके से जो इको फ्रेंडली इसको बनाया गया है, जिस तरीके से जो सोलर पावर का इस्तेमाल किया गया है, 900 वॉट क्षमता की जरूरत होती है, 600 जो मेगावॉट है उस बिजली को बनाया जाएगा। तमाम जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सोलर पैनल भी बनाई गई है। सिक्योरिटी के इंतजाम जिस तरीके से हमने एयरपोर्ट में देखे हैं अभी तक, बकायदा जो सुरक्षा के लिए लोग लगे रहते हैं, यहां पर 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, क्योंकि ये पीपीपी मॉडल पर बनाया जाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है, इसीलिए 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रहेंगे। 170 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी होगी, सफाई की व्यवस्था होगी, इसके साथ तमाम उसी तरीके की सुविधाएं भोपाल के इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी जो अब तक सिर्फ एयरपोर्ट पर मिलती थी। इसके अलावा मैं बता दूं जो ये रेलवे स्टेशन था ये देश का पहला आईएसओ 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन था, देश की सबसे पहली 9001 जो सर्टिफाइड ट्रेन थी वो भी इसी स्टेशन से शाने भोपाल चली थी। निश्चित तौर पर बड़ा तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर, हालांकि शिवराज सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त हम मंच पर देख रहे हैं। और क्या यहां से ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से? अब देखिए जो वर्चुअल उद्घाटन है, इस तरीके की जो जानकारी है वो उद्घाटन किया जाएगा उस प्रमाइसिस का जिसे बनाया गया है एयरपोर्ट की तरफ से। सिर्फ दो दिन पहले नए नोटिफिकेशन के बाद जो हबीबगंज नाम था इसका 1979 में जो रेलवे स्टेशन बना था उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया है, दो दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है। तो इस पूरे जो ये पीपीवी मॉडल से देश का पहला वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन बना उसका लोकार्पण है, लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। और एक इस तरीके का जो डिजाइन है और इस तरीके की जो परिकल्पना की जाती है अभिनव भारत में, अभिनव रेलवे स्टेशन की, वो कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल में उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो एक स्ट्रक्चर है रेलवे स्टेशन को रीडिफाइन करने का और रीशेड्यूल करने का वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा आज के इस लोकार्पण के माध्यम से। सुरभि जी, और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ हमने देखा यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होगा, वो भी स्टेशन के प्रमाइसिस में ही। देखिए जिस तरीके से हम एयरपोर्ट्स में देखे हैं, बड़े एयरपोर्ट्स में देखे तमाम तरीके की सुविधाओं के सामान जो है जो दूरी से ट्रेवल करके आते हैं, चाहे जो पर्सनल इक्विपमेंट्स हो, कपड़े हो, क्लॉथिंग्स हो, शूज वगैरह हो, जितनी भी जो चीजें एमेनिटीज की चीजें हो वो एयरपोर्ट के अंदर मिलती है। इसी तर्ज पर यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल भी बनाया गया है जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं, उसी तरीके की सुविधाएं जो हम किसी शॉपिंग मॉल में देखते हैं वही मिलती है, ताकि जो भी यात्री आ रहा है अगर 3 से 4 घंटे या 6 घंटे उसे दूसरी ट्रेन के लिए इंतजार करना भी पड़ रहा है अगर, तो वो यहां पर शॉपिंग कर सकता है। क्योंकि ये वर्ल्ड पीपीपी लेवल पर बना हुआ जो मोल्ड पर बना हुआ जो एयरपोर्ट है, इसीलिए इसमें इस तरीके की तमाम सुविधाएं हैं। बगल में एक होटल भी बन रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।